अच्छा जी, एरे में हमने जो कुछ पढ़ लिया था उसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, हमने एरे में एरे को कंस्ट्रक्ट करना, एरे को रीड करना, एरे को मॉडिफाई करना, ये तीनों चीज़ें हमने सीख ली थी। अच्छा, और एरे के कुछ मेथड्स भी हैं जो मैंने आपको बता दिए थे कि ये मेथड्स कौन से होते हैं, बताए थे। अच्छा, मैं बता देता हूँ एरे के जो मेथड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जो मैंने आपको रेफरेंस बुक दी है उसमें डिटेल में ये टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं, ये मैं यहाँ पे कवर नहीं करूँगा। तो ये उसके सारे मेथड्स हैं, राइट। जैसे एरे डॉट लेंथ है, एरे डॉट टू स्ट्रिंग है, ठीक है। जैसे एरे डॉट लेंथ को अगर मैं यहाँ पे चला कर देखूँ, इसी फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ, कॉपी पाथ, और यहाँ ओपन कर लेता हूँ इसमें। मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और कहता हूँ मैं कि लेंथ और कॉमा करके मैं माई नंबर्स डॉट लेंथ को प्रिंट करवा देता हूँ। अगर सही है, समझ आ रहा है क्या लिखा है मैंने? वेरिएबल का नाम लिखा है जो कि एक एरे टाइप का वेरिएबल है, और इस वेरिएबल पर डॉट लेंथ लगाया है। तो ये डॉट लेंथ मुझे क्या रिटर्न करता है, इस एरे में इस वक्त कितने आइटम है वो रिटर्न करता है। ठीक है, इस वक्त इसमें इस एरे में कितने आइटम्स हैं वो रिटर्न कर देता है मुझे। इसकी मुझे कई दफ़ा ज़रूरत पड़ती है इस डेटा को गेट करने की, तो इस वजह से ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और एक दो मेथड्स ज़रा देख लेते हैं, नज़र मार लेते हैं। जैसे हमारे पास ये बड़े इंपॉर्टेंट मेथड हैं, पॉप और पुश। ठीक है, पॉप और पुश के जो मेथड्स हैं वो क्या करते हैं ये, अच्छा मैं इन वालों को रोक देता हूँ ज़रा, मैं यहाँ पे मेथड सिर्फ डिस्कस कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ ना कि जी माई नंबर डॉट पुश, और एक नया नंबर एंटर कर देता हूँ मैं, दैट इज़ कॉल्ड 999। ठीक है, ये एरे मेरे पास नंबर्स हैं इसके अंदर सारे, बट वी कैन ऑल्सो एड स्ट्रिंग इन बिटवीन, है ना, वी कैन ऑल्सो एड बूलियन। सही है, तो एरे के इंडेक्सेस में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नंबर्स हों, स्ट्रिंग भी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है, सिर्फ स्ट्रिंग भी हो सकता है, सिर्फ बूलियन भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि हम किस तरह का डेटा में चाहिए। कुछ दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें क्या होता है कि एरे के अंदर एक ही तरह का डेटा होता है, जैसे कि सी शार्प, सी लैंग्वेज वगैरह में क्या होता है कि जब आप एरे बनाते हैं तो उसमें नंबर टाइप का एरे बनाते हैं तो उसमें नंबर ही स्टोर होता है, कोई और चीज़ स्टोर नहीं होती। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर, ES6 के अंदर ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो टाइप है वो डायनेमिक होती है, वेरिएबल्स की जो टाइप है वो डायनेमिक होती है, और एरे के अंदर भी जो टाइप होती है वो भी डायनेमिक होती है। तो एरे के इंडेक्सेस में किसी भी डेटा टाइप का डेटा मैं रख सकता हूँ। ठीक है, इवन मैं क्या कर सकता हूँ, एक और एरे भी रख सकता हूँ, एरे के अंदर मैं एक और एरे भी रख सकता हूँ। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। बट इसको अभी हम डिस्कस नहीं करते, इसको इंशाल्लाह जब हम लूप पढ़ेंगे ना फिर इसको हम डिस्कस करेंगे कि एरे के अंदर जब एरे होता है तो वो हाउ इट डस फील्स। तो एरे के अंदर मैंने कहा कि हर तरह का डेटा टाइप हो सकता है, तो पुश करते हुए भी मैंने क्या कर दिया, एक नया नंबर इंसर्ट करवा दिया। अब जब मैं इसको कॉन्सोल करूँगा तो मुझे अब ये वाला नंबर भी दिखेगा लास्ट में। ठीक है, पुश का जो मेथड है वो क्या करता है, लास्ट में पुश करता है। माई नंबर हेयर वी गो कॉन्सोल रिफ्रेश। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो ना सिर्फ मुझे लेंथ, ये क्या आ गया, ना सिर्फ मुझे लेंथ यहाँ पे प्रिंट हो गई 9, जो कि लाइन नंबर 17 से प्रिंट हो रही है HTML के। ठीक है, HTML का लाइन नंबर 17 ये इस जगह पर है, तो ये लेंथ मुझे प्रिंट हो रही है 9। इस पे कितने आइटम्स हैं इस वक्त? ठीक है, इसमें टोटल 9 आइटम्स हैं इस वक्त। तो ना सिर्फ मुझे ये लेंथ रिटर्न कर रहा है, बल्कि जब मैं नीचे वाली लाइन में पूरे के पूरे एरे को प्रिंट करवाता हूँ तो इसमें मुझे एक एडिशनल नंबर ये भी दिख रहा है जो कि ओरिजिनली इसमें मौजूद नहीं था, बाद में पुश किया। अच्छा, अब ये पुश करने के बाद अगर मैं इसकी लेंथ को दोबारा गेट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 10 मिलेगा। रिफ्रेश किया मैंने, पहले 9 था, अब 10 हो चुका है। सही है, और यहाँ पे भी जब मैंने पूरे एरे को प्रिंट किया तो यहाँ पे भी ये बता रहा है मुझे कि 10 इंडेक्सेस हैं इसमें, 0 से लेकर 9 तक है, राइट। अच्छा, इसी तरह पॉप है। पॉप का काम क्या होता है? अच्छा, पुश में बाय द वे, जैसे मैं पुश में भी 9 9 किया था ना मैंने, तो चलो एक और पुश कर देते हैं। मैं कह देता हूँ कि यार बस, ठीक है, तो ये भी पुश हो जाएगा।
अब की बार मुझे 9 से डायरेक्ट 11 हो गया लेंथ, क्योंकि मैंने दो दफ़ा पुश किया और दोनों आइटम्स यहाँ पर मुझे नज़र आ गए पुश होते हुए। अच्छा, जो पॉप का मेथड है वो क्या करता है, माई नंबर्स डॉट पॉप लास्ट से एक आइटम को उड़ा देता है, ठीक है। तो पुश और पॉप के ये दोनों मेथड हमने डिस्कस किए। अच्छा, मैंने एरे की लेंथ को गेट किया था यहाँ पे, उसके बाद मैंने एक को पॉप किया, और अब मैं जब लेंथ गेट करूँगा तो क्या आएगा, एक कम हो जाएगा, ठीक है, एक कम हो जाएगा और 9 से 8 हो जाएगा ये, ठीक है, 9 से 8 हो गया। और यहाँ पर भी जब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो मुझे लास्ट डिजिट 4 मिलता है, हालांकि ओरिजिनल एरे में 6 था ये, तो 6 को इसने पॉप ने उड़ा दिया। तो पुश और पॉप के मेथड्स हैं ये, बड़े यूज़ होते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे यूज़ होंगे, कब यूज़ होंगे, वो हम देखते जाएंगे वक्त के साथ से, लेकिन ये मेथड से आपका इंट्रोडक्शन हो गया। तो ये सारे मेथड्स ना यहाँ पे लिखे हुए हैं, W3 स्कूल पे भी लिखे हुए हैं ये सारे ना। जैसे देखें, लेंथ मैंने बताया ना, तो लेंथ इस तरह करके इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। इसी तरह टू स्ट्रिंग है, हम चलते हैं पुश पॉप वाले पे, ये रहा पॉपिंग एंड पुशिंग, तो ना फ्रूट्स डॉट पॉप ऐसे बताया हुआ है इन्होंने, ठीक है, फ्रूट्स डॉट पॉप। तो ये लास्ट वाला मैंगो उड़ा देगा, ठीक है। पुश में कीवी इसने ऐड किया, तो कीवी क्या होगा, लास्ट में ऐड हो जाएगा, तो जस्ट लाइक दैट। तो ये सारे जो मेथड्स हैं ना एरे के लाइन से लगे हुए हैं यहाँ पे, ये W3 स्कूल पे भी है, ये MDN पे भी है। MDN पे जाओगे आप तो ये एरे के जो मेथड्स हैं ना सारे के सारे, वो यहाँ पे लिस्ट बनी हुई होगी उसकी, ठीक है। ये पूरा एरे का जो डॉक्यूमेंट है ना, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है ये। तो इसमें आप देखें यहाँ पे ना, कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टीज़ और देन मेथड्स, मेथड्स की एक लंबी लिस्ट है। यहाँ पर भी आपको वो चीज़ मिल रही होगी, पुश और पॉप भी मिल रहा होगा, और इवन बहुत सारे और भी मेथड्स मिल रहे होंगे, ठीक है। ये पुश और पॉप आपको देखिए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये एरे डॉट प्रोटोटाइप का मतलब कुछ भी नहीं होता, मतलब एरे डॉट प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि ये इसके अंदर बिल्ट इन है, पैदाइशी है ये, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। तो एरे पे डॉट लगा के करेंगे तो ये मिलेगा, सही। यहाँ पे इन्होंने एरे डॉट लिखा हुआ है ना, लेकिन जब इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो इसको यहाँ पे सामने इन्होंने एग्जाम्पल भी बना के दी हुए ट्राइट में। तो यहाँ पे आप देखें एरे का नाम लिखा हुआ है, डॉट पॉप लिखा हुआ है, राइट। तो ये बीच में प्रोटोटाइप लगाने की ज़रूरत नहीं होती है ना, लगा दे तो चल भी जाता है, बट ज़रूरत नहीं होती लगाने की, सही है। तो ये सारे मेथड्स हैं लाइन से, ये जो मैंने आपको रेफरेंस बुक दी थी उसमें भी लिखा हुआ है ये मेथड्स, और ये यहाँ पर भी पढ़ सकते हो आप आगे ना। तो इसको आपने एक दफ़ा ज़रूर देखना है कि ये मेथड्स क्या करते हैं। अच्छा, एक और मेथड है बड़ा अच्छा, एक और मेथड को मैं चाहूँगा कि इसमें से हम देख लें। एरे डॉट इंक्लूड्स, इंक्लूड्स एक मेथड है, ये क्या देता है, मुझे बूलियन देता है, ट्रू या फॉल्स देता है, राइट। अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इफ एल्स को डिस्कस करेंगे, होपफुली आज की क्लास में नहीं लेकिन नेक्स्ट क्लास में। तो वहाँ पे आप देखेंगे बूलियन के अंदर ना बहुत ज़रा बहुत ज़्यादा बूलियन की ज़रूरत पड़ती है हमें जब हम कंडीशन चेकिंग करते हैं। तो ये पॉप के मेथड को मैंने देख लिया, ठीक है। अच्छा, पॉप अगर मैंने एक किया ना, दो दफ़ा करूँगा तो दो आइटम उड़ा देगा, क्योंकि लास्ट में एक उड़ाया, फिर लास्ट में ये 4 आ जाएगा तो ये भी उड़ा देगा। तो ये दो दफ़ा पॉप करूँगा तो दो आइटम उड़ा देगा, ये हमने देख लिया। एरे डॉट लेंथ, और यहाँ पे एरे डॉट लेंथ है, ठीक है, इस वाले को उड़ा देता हूँ मैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वो इंक्लूड्स वाला कैसे लगाऊँ भला, तो कंसोल लगाता हूँ एक। मैंने कहा माई नंबर्स डॉट इंक्लूड्स, और इंक्लूड्स करके मैं पूछता हूँ इससे कि कार, ठीक है, माई नंबर्स, मेरे एरे का नाम, एरे का नाम जो भी होगा वो लिखूंगा मैं, डॉट इंक्लूड्स, और इंक्लूड्स करने के बाद जो मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगा ना एज इट इज़, वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, वो कोई नंबर भी हो सकता है, जैसे 11 भी हो सकता है वो। तो मुझे इतनी चीज़ जो है, ये इतनी चीज़ जो मैंने लिखी है ना, ये खुद गायब हो जाएगी और इसकी जगह पर या तो ट्रू या तो फॉल्स आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि वो वैल्यू एरे में मौजूद है कि नहीं है, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिटर्न वैल्यू। तो ये एरे डॉट इंक्लूड्स विल रिटर्न आइदर ट्रू या फॉल्स, देख लेते हैं। वो नहीं है यार, रिवॉर्ड नहीं है, ले आए जाके। ठीक है, इसने ट्रू दे दिया मुझे। इंक्लूड्स जो यहाँ पर है, ये रहा इंक्लूड्स, ठीक है, इन्होंने भी लगा के बताया हुआ है कि 1 2 3 एरे में, इसने कहा 2 इंक्लूड्स, इसने कहा यस, इसने फिर कैट डॉग बनाया, इसने कहा कैट इंक्लूड्स, इसने कहा यस, ठीक है। और सिर्फ ए टी लगाया तो इसमें फॉल्स आ गया, सिर्फ ए टी नहीं है पूरा, मैं एग्जैक्ट पूरी वैल्यू देनी पड़ती है, ठीक है, सिर्फ ए टी से नहीं पता लगता उसको।
अच्छा, तो एरे के जो मेथड्स थे मैंने उसका आपको ओवरव्यू उसमें थोड़ा सा दे दिया, और अब हम मूव करते हैं ऑब्जेक्ट्स की तरफ।